प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में क्लास 12 का प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट की फाइल कैसे बनाएं और कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखें, हमें 8 प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है ना। हमें प्रोजेक्ट में कुल 8 प्रैक्टिकल करने हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको फाइल बनाना सिखा रहे हैं। और जो ये फाइल आपके सामने है, ये फाइल पूर्ण रूप से बनी हुई है, यानी कैसे क्या लिखना है सारी चीज़ें इसमें बनी हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर लो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल में यहां पर दिया होगा आपका नाम, किस क्लास में है, फिर रोल नंबर आपका दिया होगा, जो बोर्ड का रोल नंबर है वो यहां पे डालेंगे, एग्जाम, बाकी ये दो नाम, रोल नंबर, क्लास, बस ये इसे स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2020-21, ठीक है, और इस तरीके से आगे भी लिखेंगे। अब देखिए, फिर यहाँ पे इंडेक्स में जो भी प्रयोग करना है आपको इंडेक्स में लिख देना है, क्लियर है, जो भी प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों इंडेक्स में। देखिए हमने लिखा है, पहला है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकल है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की फाइल से निकाल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से प्रयोग करने हैं, ठीक है, ये प्रयोग निकाल दिए गए हैं, इन प्रयोगों को नहीं करने हैं, क्लियर है ना। तो देखिए, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। दूसरा प्रयोग देखिए, अवतल दर्पण के लिए U के विभिन्न मानों के लिए V के मान ज्ञात कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फिर देखिए तीसरा नंबर, U तथा V अथवा 1/U तथा 1/V के बीच ग्राफ खींचकर अथवा गणना द्वारा दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये होता है हमारा, ठीक है ना, ये है प्रयोग तीसरा। चौथा नंबर, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पांचवा नंबर है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे इसी में दिया हुआ है, दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्लियर है। अब देखिए छठवां में जो हमें बनाना है वो है वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अगला प्रयोग है, किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक PNP ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिकों का अध्ययन करना तथा धारा एवं वोल्टता लाभ का मान ज्ञात करना। तो इस तरीके से ये प्रयोग करने हैं। अब प्रयोग कैसे करने हैं आगे देखिए, ये इसके जो नियतांक है, जो वैल्यू है, फार्मूले के जो प्रयोग में आते हैं, ठीक है, वो पहले से ही आपके कॉपी में दिए होते हैं, ठीक है, लाग सारणी, ठीक, टेबल वगैरह सब पहले से, एंटी लॉग, लॉग सारणी, ठीक है, ये सब दिए होते हैं। अब देखिए पहला प्रयोग जो मैंने लिखा था उसको यहाँ पे करना है। तो प्रयोग में मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले प्रयोग फर्स्ट करेंगे, और जो हमारा उद्देश्य है, प्रयोग का उद्देश्य क्या है वो लिखना है। समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से द्रव जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अभी इसमें हम सभी प्रैक्टिकल आपको लिखा हुआ है दिखा रहे हैं, ठीक है ना, उद्देश्य लिखना है। फिर हमें आवश्यक उपकरण क्या लेना है, आवश्यक उपकरण में उत्तल लेंस, समतल दर्पण,
ऊर्ध्वाधर स्टैंड, जल तथा मीटर पैमाना, ये उपकरण है। अब देखिए सिद्धांत, यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी FG तथा जल के समवतल लेंस एवं कांच के संयोग से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हो तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ANW बराबर 2 माइनस FG बाई F। इधर देखिए थोड़ा इस लिखे हैं, गणना करना है, इधर गणना में माध्यमान निकालने हैं, FG आ गया 25.13 सेंटीमीटर, फिर माध्यमान निकाला गया है ANG की वैल्यू, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी, उसके बाद ANW निकाल लिए हैं। फिर देखिए प्रेक्षण यहाँ पे हुआ है, प्रेक्षण में लेंस की फोकस दूरी FG तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F के लिए सारणी, ठीक है, तो ये प्रेक्षण करना है। बिना द्रव डाले पाठ्यांक इस तरीके से इसमें ये किया गया, परिणाम, अब देखिए आगे परिणाम, ठीक है, हमने कहा सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना है, फिर आवश्यक उपकरण लिखना है, फिर सिद्धांत लिखना है, ठीक है, और फिर हमें गणना उसका करना है, ठीक है, गणना करना है और फिर लिख देना है हमें प्रेक्षण, ये देखिए प्रेक्षण हमें लिखना है, फिर लास्ट में परिणाम, ठीक है, परिणाम ये देखिए आ गया इसका परिणाम। अब आगे सावधानियाँ, सावधानियों में यहाँ पे कुछ सावधानियाँ यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ठीक है, अभी अगर इस प्रैक्टिकल का आपको PDF चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक जो है PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए प्रयोग दो, प्रयोग दो में उद्देश्य सेम वैसे ही है, प्रयोग यानी आवश्यक उपकरण, फिर सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत F बराबर माइनस वी यू अपान वी प्लस यू, इसका जो है इसका भी प्रयोग दो का भी अगर आपको PDF चाहिए तो हम सारा PDF प्रोवाइड करा दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आप क्लिक करेंगे तो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए गणना, गणना इसका इस तरीके से करना है, माध्यमान निकाल लेना है, ठीक है, ये है माध्यमान, और फिर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेक्षण करना है, प्रेक्षण के बाद इसका परिणाम, परिणाम के बाद सावधानियाँ, सावधानियाँ में ये आपको चार सावधानियाँ करनी है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रयोग संख्या 3, यानी आपको तीसरा प्रयोग क्या करना है, ये करना है, तीसरे प्रयोग में उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, क्लियर है, उसके बाद ये सूत्र F बराबर यू वी अपान यू प्लस वी। फिर आगे देखिए इसमें गणना करना है, गणना, तो गणना में ये आपको जो भी गणना दिया है वो आप कर लेंगे, पहले से किया हुआ है, क्लियर है ना, ये है माध्यमान। उसके बाद प्रेक्षण, प्रेक्षण यू वी के लिए सारणी, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि ये है हमारा। अब देखिए ग्राफ से हम इस तरीके से बना सकते हैं, ग्राफ से 1/F1/0.0665 F1 बराबर इतना, फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर F1 प्लस F2, ये उसका दिया हुआ है। अब देखिए यू वी ग्राफ विधि इतना लिखना है आपको, ठीक है ना, फिर परिणाम लिख देना है हम सारे, और ये है हमारा लास्ट में सावधानियाँ, ठीक है। तो अभी तो मेरे प्यारे बच्चों लाइट चली गई थी इसलिए अब इन्वर्टर से मैंने जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सावधानियां लिख दिए, लिख देना है, ये दूसरे प्रोजेक्ट का लास्ट पॉइंट है, तीसरे प्रोजेक्ट का। अब देखिए चौथा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो चौथे प्रोजेक्ट का इस तरीके से आप उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, इस तरीके से हम अभी थोड़ा इसमें तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पूरा आप प्रयोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप पूरा प्रयोग लिख लेना इसी में, ये देख लीजिए,
ये सारा प्रयोग यहाँ पे बनाया हुआ है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इतना हम दिखा दे रहे हैं, इसमें 8 प्रयोग है, 8ों को हम PDF आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पूरी फाइल को एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स के कितने सिलेबस बाहर हुए हैं और क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में क्या निकाले हैं तो और क्या बनाना है।